बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मेरठ के सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम एक बयान से सुर्खियों में हैं। उन्होंने कहा पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर बयान का वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि अखिलेश यादव उनके चेले पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोग उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान को जातियों के हिसाब से बांटना चाहते हैं। तो जिन्नावादी सोच, जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक विषय को लेकर आया हूं और विषय पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूं कि अलग अलग लोग और खासतौर से अखिलेश यादव और उनके चेले पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में एक माहौल जातियों का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान ये जातियों के हिसाब से बांटना चाह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता तो ये जिन्नावादी सोच ये क्यों बना रहे हैं, क्यों जिन्नावादी सोच के साथ प्रदेश में आ रहे हैं, ये समझ नहीं रहे अभी स्थिति। अभी पाकिस्तान में देखा नहीं, पाकिस्तान की रोज स्थिति देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लोग भुखमरी से मर रहे हैं, लोग भुखमरी में मर रहे हैं, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, लोग आटे के लिए मर रहे हैं, लोग चीनी के लिए मर रहे हैं, लोग दूध के लिए मर रहे हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उनके चेले ये स्थिति बनाना चाहते हैं? आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति आप समझ के देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है और मिनी पाकिस्तान बन रहा है। मेरी सभी पार्टी के लोगों से यही कहना है कि खास तौर से इस बात पे ध्यान दें, चर्चा इस पे करें कि बढ़ती हुई आबादी किस तरीके से रुके। लेकिन अखिलेश यादव जी, मैं आपको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि आप और आपके चेले ये जिन्नावादी सोच छोड़ के और ये तुष्टिकरण की राजनीति बंद करिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल आप लोगों का होने जा रहा है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जनसंख्या पर विशेष ध्यान दें, जनसंख्या वृद्धि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा कलंक होने जा रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है। मेरी यही आप लोगों से अपील है और इसी पे एक विचार करने के लिए, बात करने के लिए आपके बीच में आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।